Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas, Sherlyn ji. Merry Christmas. तो बताइए कि कैसा रहा आज का फोटोशूट एंड आपके जो फोटोग्राफर थे उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही मज़ेदार. आज मैंने एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग फ़ोटोशूट किया फोटोग्राफर आशीष सोमपुरा के साथ, जो कि मेरे चहेते फोटोग्राफर हैं. और हमारा थीम था सेक्सी सेंटा, एज यू कैन सी. एंड हमने जितने भी कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन किए हैं आज के शूट के लिए, उन सभी कलर्स वाइट एंड रेड हैं, कीपिंग इन माइंड द सेक्सी सेंटा थीम. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट कॉस्ट्यूम विच इज़ even more hotter than this. Ji, hame bhi intezar hai. You know, Christmas ke din kitna busy rehti hain Sherlyn ji, and apne aap ko kitna busy rakhti hain, kya kuch planning hoti hai Sherlyn ji ki Christmas ke din? Christmas ke avsar par main khoob sari masti karti hoon, jaise ki aapne dekha mujhe photo shoot karte hue. It's not about keeping oneself busy just for the heck of it. मैं ख़ुद को busy रखती हूँ creativity में, productivity में, and बहुत मज़ा आता है excellent content create करके. and यहाँ से घर जाकर मैं एक बहुत ही delicious Christmas cake bake करने वाली हूँ. and अपने friends and family के साथ मैं जाऊँगी midnight mass attend करने आज रात. so these are my plans, and you're also invited to join my party. so cake आप अपने हाथों से बनाने वाली हैं, cake and wine? Of course. मैंने इससे पहले भी कई बार बनाया है, तो कोई नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है. मुझे पता है कि मैं बहुत बहुत अच्छी शेफ़ हूँ. सेंटा दिख रही हैं आप, तो आप बताइए ये हॉट सेक्सी सेंटा के बारे में जो आप हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं. हाँ, अपने लुक के बारे में ज़रा बताइए. यस, सो हाउ इज़ माई हेयर बैंड? ये क्या है? मुझे पता है ये सेंटा है ना, मिनी सेंटा. What? Okay. तो अगर दुनिया में सेक्सी सेंटा होती वो कैसी होती, कैसी दिखती? बिल्कुल मुझ जैसी. एंड इसके अलावा 2020 आ रहा है, सो आपके ढेर सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं. सो वुमेन एम्पावरमेंट का आपका एक सिंगल आ रहा है जी, सब उसके बारे में जरा बताइए. एंड OTT प्लेटफॉर्म आप ला रहे हैं. यस, बहुत ही बिजी रखने वाली आप अपने आप. एब्सोल्युटली. जरा कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट जरा बता दीजिए अपने चाहने वालों के लिए. अर्ली 2020 में मेरा खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, Z5 एट्सेट्रा एट्सेट्रा. शुरुआत करूँगी मैं धमाकेदार प्रोजेक्ट्स के साथ, विच विल बी अवेलेबल टू ऑल द डिजिटल यूजर्स एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस. मैं चाहूँगी कि मेरा कंटेंट बहुत ही इमोशनली कंपेलिंग हो, एट द सेम टाइम मेंटली स्टिम्युलेटिंग हो. द क्वालिटी ऑफ माय कंटेंट विल बी सुपर हाई. मैं कहूँगी उत्तम से भी ऊपर, सर्वोत्तम. सो दैट इज़ द एजेंडा फॉर 2020. एंड OTT लॉन्च करने के साथ साथ मैं रैप वीडियोज़ भी क्रिएट करने वाली हूँ. इस साल मैंने दो रैप वीडियोस प्रोड्यूस किए, वोट डाल कतार. अगले साल मैं रिलीज़ करूँगी अपना थर्ड रैप वीडियो, जिसका थीम है विमेन एम्पावरमेंट. एंड उसमें ख़ुद को फीचर करने के अलावा मैं कुछ जाने माने स्पोर्ट्स पर्सन्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड बॉलीवुड आर्टिस्ट्स को भी फीचर करना चाहूँगी, जो विमेन एम्पावरमेंट में विश्वास रखती हैं, विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती हैं, नारी शक्ति नारी प्रगति के नारे लगाती हैं हर आए दिन अपने इंटरव्यूज़ में, अपने फिल्मों के ज़रिए, अपने बोल बचन के ज़रिए. जो शब्द वो अक्सर बोलते हैं उससे साफ पता चलता है कि हाँ वो विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल हैं. तो ऐसे शख्सों को मैं अपने आने वाले वीडियो में फीचर करना चाहूँगी, ये मेरे लिए एक गर्व की बात होगी. जी, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन एंड एक्टर सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला कर आप
करने वाली हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने आई थिंक ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसका इंतजार हम सभी को होगा. एंड इसके अलावा इन दिनों यू नो CAA चल रहा है, सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आप बहुत ही क्लियर हैं इसको लेकर, तो थोड़ा सा अपने चाहने वालों को जरा कुछ बता दीजिए, जो लोग गुमराह हैं जिन्हें गुमराह किया जा रहा है और जो लोग आई थिंक गलत रास्ते पर जा रहे हैं, yeah. तो ऐसे लोगों को जरा कुछ अपने तरफ से बताना चाहेंगे शर्लिन जी? मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये जाना है कि कई लोग CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि CAA आखिर में है क्या. जब मीडिया उनसे पूछती है कि बताइए कि आपके विचार क्या हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि CAA है क्या. हाल ही में एक जाने माने बॉलीवुड सेलिब्रिटी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनसे पूछा गया कि CAA के बारे में आपके क्या विचार हैं और उन्होंने कहा कुछ तो होगा. तो ये बहुत ही शर्म की बात है. अगर हमें नहीं पता कि CAA क्या है, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसके हित में या उसके खिलाफ कोई भी बयान दें. जहाँ तक मुझे पता है CAA के लागू होने से उन तमाम इमिग्रेंट्स को जो भारत में प्रवेश हुए 31 दिसंबर 2014 से पहले, उन्हें सिटीज़नशिप मिलेगी भारत सरकार की तरफ से. ये वो इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर प्रवेश किए.